हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्रिक याद करेंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल इजीली कैलकुलेट कर सकें. मतलब इट्स अ ट्रिक टू फाइंड एनोड एंड कैथोड एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू ऑब्जर्व दिस सेल. मैं आपको इसमें दो ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक अभी है, एक इसके बाद है. जो भी एग्ज़ाम में याद रहे आप उसे यूज़ करिए. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस सेल देन यू कैन से दैट दिस पार्ट ऑफ सेल इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट ऑफ सेल इज़ राइट हैंड साइड. तो यू कैन लर्न वर्ड लोन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मेटल लिखा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड है और उसका साइन नेगेटिव है. मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड एंड राइट हैंड साइड इज कैथोड. तो यू कैन यूज फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. मतलब आप दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे. इसमें मैग्नीशियम प्लस टू से जीरो में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है. इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. इसमें ए जी प्लस वन से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. तो ई नॉट सेल इज ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. बट इन बोथ केस वी टेक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. वी टेक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज और दिस फार्मूला कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज ई नॉट, जो ट्रिक है याद रखने के लिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. बट इसमें भी दोनों वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की टर्म में होंगी. इट मीन्स फार्मूला इज ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. इट मीन्स फॉर दिस रिएक्शन ई नॉट सेल इज कैथोड. अवर कैथोड इज राइट हैंड साइड सिल्वर. सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.848 वोल्ट माइनस एनोड, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस ऑफ 2.37. एंड तो देयर आंसर वैल्यूज़ ध्यान रखिए दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए. तो इट इज़ पॉइंटेड माइनस ऑफ माइनस 2.37, तो इट बिकम 0.8 प्लस 2.37. नाउ इट बिकम्स 3.17 वोल्ट. तो नाउ वी लर्न अनदर ट्रिक टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द सेल. नाउ अनदर ट्रिक टू आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड इज यूजिंग द टर्म ए बी सी. यू कैन यूज़ द टर्म ए बी सी मीन्स यू कैन इग्नोर दिस लोन टर्म एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन लर्न थ्री अल्फ़ाबेट्स. आई होप एवरीबडी हैड लर्न दिस. यू कैन यूज़ थ्री अल्फ़ाबेट्स ए बी एंड सी. ए फॉर एनोड, बी फॉर दैट सॉल्ट ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड. मीन्स आप लेफ्ट टू राइट जाइए, लर्न ए बी सी. ए फॉर एनोड, बी फॉर सॉल्ट ब्रिज, सी फॉर कैथोड. सो अगेन बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन ईजिली फाइंड आउट विच इज़ एनोड विच इज़ कैथोड एंड बिटवीन दिस इज सॉल्ट ब्रिज. नाउ यूज फार्मूला ई नॉट सेल इज ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. सम स्टूडेंट्स हैव फाइंड आउट दीज रिएक्शंस इन अनदर वे, तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे ऑल्सो. नाउ we have find out that what is anode and what is cathode. So we can easily write anode and cathode reactions. So your anode reaction is, your anode is magnesium which lose 2 electrons to form Mg2 plus plus 2 electrons. Now your cathode is Ag plus which reduce and ions are always aqueous. So it gain one electron to form Ag solid. Now if you observe this cell reaction, the overall cell reaction becomes Mg gives Mg2 plus, just add up. So if you add up, you have to make number of electrons equal. So number of electrons equal karne ke liye you multiply. Agar aap ise multiply karte hain to isse E naught values pe koi change nahi aayega. It means iska अगर ईएमएफ मैग्नीशियम का माइनस 0.237 वोल्ट है. नाउ सिल्वर, सिल्वर का हमने रिडक्शन किया है, इसका ईएमएफ है 0.8 वोल्ट.
अब अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इसे आप सिंपली ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर फाइनल सेल रिएक्शन इज मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, इट गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Mg 2 प्लस एक्वस। नाउ योर ईनोड सेल इज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आप उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो जस्ट चेंज इट साइन, इट बिकम्स 2.37 वोल्ट। तो एनोड का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दीजिए एंड इसका साइन चेंज कर दीजिए, इट बिकम्स प्लस 2.37। नाउ एड अप एंड ऑन एडिंग अप यू कैन फाइंड आउट इट्स ई नॉट सेल विच इज़ ई नॉट कैथोड या एनोड प्लस कैथोड। इफ यू आर यूजिंग प्लस साइन देन यू हैव टू चेंज रिडक्शन पोटेंशियल्स या यू हैव टू चेंज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स एंड डू इट बाय अ सेल रिएक्शन, कि आप एनोड का ऑक्सीडेशन करो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, कैथोड का रिडक्शन करो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए और ऐड करिए, तो ई नॉट एनोड प्लस कैथोड एंड योर आंसर इज 3.17 वोल्ट। नाउ After that, we are going to solve an excellent NCERT questions. If you just learned, want to find a not cell, तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं, बट इसके बाद मैं काफ़ी अच्छा NCERT का बैक एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड फॉर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर गोइंग टू फाइंड EMF ऑफ द सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल के रिप्रेजेंटेशन के बिगनिंग में दिस रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम प्लैटिनम सॉलिड, प्लैटिनम सॉलिड से स्टार्ट हो रहा है, then Br minus ions and its concentration is 0.0101 molar, then it converted into bromine liquid, then salt bridge, then H positive, its concentration is 0.030 molar, then it forms hydrogen gas and then platinum solid. The pressure of hydrogen gas is 1 bar. Now if you again you can use the same technique, A B salt bridge C. Now its E naught values are given, E naught of standard hydrogen electrode is 0, so obviously bromine values are given, so its values are given is half of bromine minus Br minus is equal to 1.09 volt. Now we have to identify if it's standard reduction potential or oxidation potential. So its value is changes from 0 to minus 1. So it means this value is standard reduction potential. Now we have to find EMF of the cell. So here anode is bromine. So bromine ka oxidation ho raha hai. नाउ एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो बी आर माइनस चेंज हो रहा है बी आर टू में, नाउ और रिडक्शन एच प्लस का हो रहा है, तो एनोड इज़ योर ऑक्सीडेशन, तो आप बी आर माइनस को चेंज कर रहे हैं ब्रोमीन में विद अ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इफ ये रिएक्शन इज बैलेंस्ड इट्स गोइंग टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैथोड में एच प्लस आयन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स and it converted into hydrogen gas. Now if we are using anode, though we have to use oxidation potential of anode. The oxidation potential, standard oxidation potential of anode is can be find out by changing its sign. It is a standard reduction potential, so its oxidation potential is minus 1.09 volt and standard reduction potential of कैथोड, बिकॉज इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, तो इट इज़ जीरो। ऑन एड अप वी फाइंड ई नॉट सेल इज माइनस 1.09 वोल्ट। ऑब्वियसली वी हैव टू गो वाया दिस क्वेश्चन, बट दिस नेगेटिव पोटेंशियल शोज दैट दिस रिएक्शन इज नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिजिबल नहीं है रिएक्शन बिकॉज आवर ई नॉट सेल इज नेगेटिव। बट द वे टू प्रोसीड थ्रू दिस रिएक्शन क्वेश्चन इज लाइक दिस, राइट नाउ राइट सेल रिएक्शन and cell reaction is 2Br negative plus 2H positive and it gives you Br2 plus H2. Now you can also do it by using formula, alternative method, E naught cell is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. You can do it in this way also, that is
वन कैथोड इज योर ब्रोमीन, सॉरी एच प्लस इज योर कैथोड, तो 0 - 1.09 वोल्ट, योर आंसर इज अगेन नेगेटिव, शोज दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो सो हियर वी फाइंड एनोड कैथोड यूजिंग टू मेथड्स, लोन और ए बी सी, एंड वी कैन फाइंड एनोड सेल यूजिंग टू मेथड्स. आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट ई एम एफ ऑफ द सेल यूजिंग नॉस्ट इक्वेशन, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. ऑल्सो दिस इक्वेशन इज ऑलमोस्ट करेक्ट, दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज द बेस्ट वे टू फॉलो एन सी आर टी क्वेश्चंस. थैंक यू.